तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल बुल में। चलिए फटाफट से संजीव भसन के ट्रेड डिस्कस करते हैं। जो कि पहला ट्रेड उन्होंने दिया है वो है SBI। तो आप देख सकते हैं इन्हें 361 पे कॉल दिया है, जिसका आपको स्टॉप लॉस 353 का बना के चल रहे हैं। और टारगेट आपको यहाँ पे कुछ ही टाइम में 385 तक देखने मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते पहले SBI के बारे में। तो हम लोग आ गए हैं SBI के इस पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छी आज बढ़त देखने मिली है 1% के आसपास। और यहाँ पे एक महीने में SBI ने अच्छा खासा 11% का रिटर्न दिया है। संजीव भसन को अभी ऐसा और लगता है कि बैंक और प्रॉपर्टी सेक्शन में और एक बूम आने वाला है, इसलिए आप देखेंगे संजीव भसन इस समय बैंक सेक्टर को ज़्यादा ध्यान में दे रहे हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं जो संजीव भसन का पिक है, और जो दूसरा उनका पिक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप ये देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को उन्होंने बाय करने का बोला है 723 के आसपास में। तो चलिए देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले एक महीने में कैसा परफॉर्म किया है। तो अब हम आ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर प्राइस पे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इसने आज के दिन पहले आज के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% का अच्छा खासा जंप दिखाते हुए दिखा है। और अगर पिछले एक महीने की बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 10 से 15% के बीच में आपको देखने मिल सकता है कि इसने रिटर्न दिया है। तो जो अगला संजीव भसन का पिक है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि इनने बोला है आप 185 के आसपास पे ले सकते हो, जिसका आपको टारगेट 245 देख सकते हो। कितना लंबा टारगेट है, स्टॉप लॉस इनने 171 का दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पिछले एक महीने में हाउसिंग फाइनेंस ने इंडिया हाउसिंग फाइनेंस ने कैसा परफॉर्म किया है। तो हम लोग आगे इंडिया हाउसिंग फाइनेंस को, तो आप यहाँ देखेंगे आज ये डायरेक्ट ऊपर ओपन हुआ है 4% के आसपास। तो अगर पिछले एक महीने का देखें तो इसने बोल सकते 15 से 20% का आपको सारे डिसेंट देखने मिले हैं, 15 से 20% का उन लोगों ने पिछले एक महीने में रिटर्न दे चुके। तो चलिए जो अगला शेयर उनने बोला है वो इनने बोला है कि NBCC। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NBCC संजीव भसन बोले कि ये 100 पार हो जाएगा, फिर भी इसको होल्ड करके रखेंगे, इसलिए अभी भी ये होल्ड करने की सलाह दे रहे। तो देखते हैं आज NBCC में क्या हुआ है। तो हम आ गए अभी NBCC इंडिया में। आज आप देखेंगे ये 8% तेज़ी आपको देखने मिला है। आज एक ही ट्रेडिंग सेशन में आपको 8% के आसपास तेज़ी आने देखने मिला है। और वहीं अगर इसके एक महीने की बात करें, एक महीने में भी इसने ऑलमोस्ट 23% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया। संजीव भसन इसको 100 के बाद तक होल्ड करने वाले उनने ऐसा बोला है। तो जो अगला है हमारा शेयर, इसको तो होल्ड करने आपको जो अगला शेयर उन्होंने दिया है वो दिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं आपको 1239 के प्राइस पे लेना, जिसका टारगेट आपको 1280 तक लेके चलना है, और स्टॉप लॉस 1204 तक का आपको पकड़ के चलना है। तो देखते हैं गोदरेज फाइनेंस ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है। तो हम आ जाते हैं अभी गोदरेज फाइनेंस के शेयर प्राइस के इधर। तो हम आगे गोदरेज फाइनेंस के इधर आप देखेंगे इसने पिछले एक महीने में अभी तक अच्छे रिटर्न नहीं दिए। इसने ऑलमोस्ट बोल सकते हैं -6% का रिटर्न दिया, लेकिन संजीव भसन को ऐसा लगता है कि अभी हाउसिंग फाइनेंस में एक बूम आने देखने मिलने वाला है, क्योंकि अभी हाउसिंग की प्राइसिंग शायद डाउन चल रही है। इसलिए संजीव भसन को ऐसा लग रहा है एक आपको हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में बूम देखने मिल सकता है। तो जो अगला इनने पिक दिया है वो दिया है NTPC का, जो आपको 106 के आसपास लेना है, और जिसका आपको स्टॉप लॉस 104 बना के चलना है, और टारगेट 115 का बनाना है। तो देखते हैं NTPC ने एक महीने में कैसा परफॉर्म किया है। तो हम आ गए हैं अभी NTPC के शेयर प्राइस के इधर। तो अभी आप यहाँ देखेंगे इसने आज 2.5% के आसपास जंप दिखाया, लेकिन जो देखने वाली बात है आप ये पिछले एक महीने का देख सकते हैं, इसने पिछले एक महीने में अभी तक 8% के आसपास रिटर्न दिया, और ये एक अच्छा और रिटर्न देने का संजीव भसन इसे उम्मीद कर रहे। तो आप भी इसको बाय कर सकते। अगर आप ये सब सारे शेयर्स को बाय करते हो हमको कमेंट में बताना मत भूलना। और तो अगर आपको संजीव भसन के ऐसे मार्केट ओपन होने से पहले टिप चाहिए तो आप उनके कंपनी यानी कि IIFL सिक्योरिटीज़ में जाके आप देख सकते हैं, जहाँ के वो डायरेक्टर है वहाँ पे जाके आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट ओपन होने से पहले आपको सारे टिप्स एंड मिल जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पे जाके अकाउंट खुले, ताकि आप इनके सारे प्रीमियम टिप्स आप फ्री में इंजॉय कर सकते हैं। जाके अभी अकाउंट खुलवाइए। और अगर आपको ऐसे ही डेली शॉर्ट टर्म और या फिर स्विंग ट्रेड चाहिए तो आप हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल बुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए शेयर तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो और ये वाला देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपको संजीव भसन का 8 रुपये वाला रिकमेंडेड पेनी स्टॉक चाहिए तो आप ये वाले वीडियो पर जाके ज़रूर से देख सकते हैं। और चैनल पर ऐसे ही बने रहने के लिए आपका थैंक यू। हैव अ गुड डे।